यति माम में कंबल डालो अभियान, पर्दा डालो अभियान है, तंबू डालो अभियान के सख्त खिलाफ हूं, आप शुरू से जानती हैं क्या? मैं तो उस टाइप का आदमी हूं कि फोड़ा है तुरंत भैया इसमें चीरा लगाओ, मवाद निकालो, नहीं तो पैर काटना पड़ेगा। ठीक, आज थोड़ा दर्द होगा लेकिन फोड़ा का इलाज तो करना जरूरी है, सबके हित में ये। जब नरसिंह राव वर्शिप एक्ट लेके आए तो मैं बहुत रेगुलरली पार्लियामेंट कवर करता था, उसमें अयोध्या को अपवाद रखा गया, एक्सेप्शन। ठीक, मान लीजिए अगली संसद चुन के आए और वर्शिप एक्ट को पूरा रद्द ना भी करे, उसमें दो अपवाद और जोड़ दे, तो कौन सा आसमान नीचे आ जाएगा? काशी और मथुरा दो अपवाद जोड़ दे तो कौन सा आसमान नीचे आ जाएगा भाई? और जब एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूं, आप वकील भी हैं, जब अयोध्या को एक्सेप्शन दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ वर्शिप एक्ट, कहा कि संसद एक्सेप्शन नहीं दे सकती, कोर्ट ने कहा दे सकती है, संसद नहीं दे सकती तो क्या गुल्लू पान वाला देगा एक्सेप्शन? यतिमा जी, अमिताभ जी देखिए, अभी यहाँ जिस तरीके की बातें मुन्ना खान जी कर रहे हैं, वर्शिप एक्ट भी हटाया जा सकता है, वर्शिप एक्ट को पूरी तरह से हटाना भी संभव है, और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहेगा तो इसको टाइटल सूट में भी कन्वर्ट कर सकता है। अभी तो ये मामला श्रृंगार गौरी की, माँ श्रृंगार गौरी की वर्शिप का था, वो रोक दिया गया, लेकिन जिस तरीके की ASI की रिपोर्ट आई है और फर्दर अभी हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर वजू खाने की भी सर्वे की आवश्यकता पड़ेगी तो हम परमिशन देंगे, तो आगे की जो आगे का जो मार्ग है वो बहुत सरल है हो गया हमारे लिए। आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, वर्शिप एक्ट खत्म किया जा सकता है, नई संसद आएगी उसको खत्म कर देगी, निश्चित रूप से ये हो सकता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ही इसको टाइटल सूट में कन्वर्ट कर दे, 100 साल की आप बात कर रहे हैं और 100 साल जिस समय की बाध्यता आप बता रहे हैं, उस समय मंदिर वहां उपस्थित पाया गया, अगर उसकी नौयत में मंदिर है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि भैया जितना मंदिर है उनको दे दो, तो वर्शिप एक्ट कहाँ रह गया? वैसे भी वर्शिप एक्ट कहीं नहीं रहेगा अगर टाइटल सूट में इसको कन्वर्ट करके ये कह दिया गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि ये हिंदुओं का स्थान है या हिंदुओं के चिन्ह मिले हैं, या ASI का जो सर्वे है वो ये बताता है कि यहाँ मस्जिद का निर्माण मंदिर पर हुआ है, पश्चिमी दरवाजा जो है वो ऑलरेडी बताया जा रहा है कि वो मंदिर की दीवार है और उसको उसपे जो प्रतिमाएं चिन्हित है उनको खंडित किया गया है, ये ASI के सर्वे की रिपोर्ट में है। तो आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात अमिताभ जी, एक बात मैं और भी कहना चाहती हूँ, अयोध्या में जब आंदोलन हुआ तो अहिंसात्मक आंदोलन हुआ, क्या वो रक्त अभी मर गया है कि हम सिर्फ अयोध्या के लिए लड़े? हम आप अगर हमें चैलेंज कर रहे हैं और आप दोबारा से उसी आपकी सरकार रही थी, आपने सीने पे गोलियां चलवाई तो हमने खाई ना, हमने कहीं प्रतिशोध नहीं किया, अपने सीने खोल के, वो आज भी विजुअल्स हैं, हम अपने सीने खोल कर खड़े हो गए और कहा कि हम रामलला के लिए सीने पे गोली खा सकते हैं, हमने तो कहीं हिंसा नहीं की। तो अगर आप हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं मुन्ना खान जी, तो आप समझ लीजिए कि अब हिंदू डरने वाला नहीं है और वहां शिव ही स्थापित है, निश्चित रूप से जो कुछ हो रहा है उसको हो जाने दीजिए, ये धमकी देना अच्छी बात नहीं है। कोर्ट और संसद दोनों ही सक्षम है इस देश की, वो चाहेंगे तो किसी भी दिन वर्शिप एक्ट को डिमोलिश कर दिया जाएगा, किसी भी दिन उसको हटा भी रुकना होगा। मुन्ना खान साहब, मैं एक जो बात कल होनी उस पर भी आज चर्चा कर लूं, क्योंकि कल तो चर्चा करनी पड़ेगी। हाई कोर्ट ने मथुरा में ईदगाह मस्जिद के अंदर सर्वे की इजाजत दे दी ASI वाले, ठीक, ऐसे ही वैज्ञानिक वाला, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इंटरिम रोक लगाई है, रोक नहीं, इंटरिम रोक, क्या भी रुक जाओ बताते हैं, ठीक। मान लीजिए कल को वो भी अलाउ हो गया तो वहां की भी रिपोर्ट आ जाएगी, मथुरा की भी, क्या तब क्या होगा मुन्ना खान साहब? अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 900 मस्जिदों को चिन्हित किया गया है, 900 मस्जिदों, 900 मस्जिदों को चिन्हित किया गया है जी, जिसे ध्वस्त करके मंदिर बनाने की योजना है। नहीं तो अभी ध्वस्त कर दिया, काशी में ध्वस्त तो नहीं किया, मुन्ना खान साहब
मस्जिदों का मसला, बार बार मंदिरों का मसला, उब चुकी है देश की जनता। नहीं नहीं मुन्ना खान साहब, एक मेरे भाई, अरे एक मिनट मुन्ना भाई, 10 साल तो इनकी सरकार को हो गए मोदी जी की, अभी कहां को कासिम को ध्वस्त हुआ नहीं, मथुरा में ध्वस्त हुआ ईदगाह नहीं, फिर ऐसा तो प्रचार ना करो ध्वस्त करना चाहते। अमिताभ जी 900 मस्जिदों की लिस्ट बनाई है और इस बार ये नहीं चलेगा। अच्छा बार बार तुम मस्जिदों के मस्जिदों से एक कम्युनिटी को डराओगे, ये नहीं चलेगा। अच्छा और याद रखना, ये नुकसान देश का हो रहा है, ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो रहा, ये नुकसान भारतीय जनता का हो रहा है और जनता को समझने की जरूरत है कि मंदिर और मस्जिद के पीछे जो सरकार छुपना चाह रही है जी, उसके मतलब वजह। लेकिन मथुरा के सर्वे का क्या होगा खान साहब? मंदिर के अरे रुको भाई, मथुरा के सर्वे का फिर क्या मसला बनेगा? वहां भी ईदगाह के अंदर सर्वे के लिए इजाजत दे दी है। आज शमशान कब्रिस्तान के वाला पे जा रहे हैं, इसकी मेन वजह है। रुकना होगा। मैं तो हैरान हूं, आ रहा हूं अवधेश भाई, जितनी बातें टीवी पर की करते सब लोग, मुफ्ती साहब 100 देश के 100 प्रतिष्ठित मुस्लिम कोई जगह चुन लेते, काशी में जब ये सर्वे का आदेश हुआ तो इसके विरोध में आमरण अनशन करते, किसी ने किया क्या? बढ़िया बिरयानी चापी, किसी ने कुछ किया? टीवी पे आके बोला ईंट से ईंट बजा देंगे और फिर घर गए बिरयानी खाई सो गए क्या? कौन ईंट से ईंट का किसकी बजा देगा भाई? रूल ऑफ लॉ है मुफ्ती साहब, ये कोई भेड़ तंत्र है कि ये इराक और सीरिया है? मुफ्ती साहब ईंट से ईंट कौन बजा देगा भाई? देखिए सुनिए, बाबरी मस्जिद के लिए एक एक्शन कमेटी बनाई गई थी, सैयद शहाबुद्दीन ने एक नारा दिया था, चलो बाबरी मस्जिद बचाएंगे, बचा पाए? नहीं बचा पाए। मैं कहता हूं कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में जो लोग थे वो सब धनवान हो गए। मुस्लिम लीडरों का ये अलमिया रहा है कि मुस्लिम लीडरों ने कभी संघर्ष नहीं किया, कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, सिर्फ एक बयान देते हैं और बयान देकर के घर के अंदर छुप जाते हैं। किसने अयोध्या बाबरी मस्जिद बचाने के लिए कौन अयोध्या गया, जाकर के उसने क्या किया? वो तो हाशिम अंसारी मुकदमा लड़ता रहा, वो मुकदमा लड़ता रहा और लड़ लड़ करके उसने मुकदमा लड़के आखिर वो भी सरेंडर हो गया। तो मैं कहता हूँ कि आप मुस्लिम लीडरों की बयानबाजी को टीवी के हद तक तो देखिए, उसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो आगे एक बात और आगे कहता हूँ कि गालिब का एक शेर है कि सब्जा उग रहा है दरो दीवार पर गालिब, सब्जा उग रहा है दरो दीवार पर गालिब, हम बयाबा में हैं और घर पर बाहर आएंगे, हम जंगल में हैं और हमारे मुस्लिम लीडरों के घर में जो है आप मुस्लिम लीडरों ने जितनी आवाज हमारे लिए उठाई है, अल्लाह का करम है कि वो आवाज उठाते उठाते इतने मालदार हो गए कि नस्लों तक जमा करके चले गए और बेचारे हम लोग इतने कंगाल रहे कि हमारी आवाज, और हम हाँ, वो हमारी आवाज उठा के अल्लाह उनको सलामत रखे कि हमारी आवाज उठा करके मालदार हो गए। गरीबी के दलदल में हम, बेरोजगारी के दलदल में हम, जहालत के दलदल में हम, अरे भाई कब तक दलदल में डालते रहोगे? तो मैं कहता हूँ कि मुस्लिम लीडरों से अगर मुसलमान बच जाएंगे तो वहीं जा करके मुसलमानों का की तरक्की होगी। मैं कहता हूँ कि हम बीजेपी की बात नहीं करेंगे, हम वोट डालते नहीं, क्यों हम बीजेपी से अपने डिमांड करें? सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने कहां आपके इश्यू उठाए, कहां आपकी बात की? अभी राहुल गांधी सबको जोड़ने चले हैं बेचारे, ममता बनर्जी अलग भाग रही है, पंजाब का सीएम अलग भाग रहा, नीतीश तो कल परसों बीजेपी के अंदर चले जाएंगे। तो किसी को मोदी से लड़ना नहीं है, हाँ मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाना है कि तुम लड़ो और तुम लड़ करके बहुत अच्छी बात मोदी साहब, बड़ी अच्छी बात कही आपने, हमारी दिल पर बात मोदी साहब, और बड़े दिल से आपने बात कही। अवधेश भाई मैं आ रहा हूं, मुझे याद है जब अयोध्या का आंदोलन चरम पर था तो मुझे वो अवसर ईश्वर ने दिया कि अशोक सिंघल, मोरोपंत पिंगले, महंत परमहंस रामचंद्र दास, हाशिम अंसारी, ये ओवैसी जी, जो आज के ओवैसी असदुद्दीन, इनके अब्बा हुजूर है,
जियाउर रहमान अंसारी, आजम खान, जफरयाब जिलानी, इन सब लोगों के साथ मेरा रब्ता रहा, साबका रहा आंदोलन कवर करते करते। सच्ची बात कही मुफ्ती साहब ने, इसलिए मुफ्ती साहब को मेरा अभिनंदन। कोई अयोध्या नहीं गया अवधेश जी, आप लोग जानो, नई पीढ़ी के लोग क्या उधर वाले जो बोलते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो अयोध्या में भी धक्का खाए। राम जन्मभूमि आंदोलन का बड़े से बड़ा कोई नेता ऐसा नहीं बचा जो राम जन्मभूमि मुक्ति संघर्ष समिति में हो, जो वहां अयोध्या में धक्का ना खाया हो जाके क्या। लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, या तो ओवैसी के अब्बा रहते थे यहाँ ही इसमें चुनाव आयोग के दफ्तर के बगल वाली बिल्डिंग में है, या तो वहां बिरयानी नोश फरमाए, या बहुत आगे बढ़े तो लखनऊ में बिरयानी खा ली, इसके आगे नहीं गए। और गए हो अब वहां धूल फांकी हो अयोध्या में तो फोटो दिखा दो हमको। जमाने भर से चंदा आया, मुफ्ती साहब ठीक कह रहे, मुझे सब हकीकत मालूम है, दुनिया भर से चंदा आया था, कहां गया। और मुन्ना खान साहब जितनी आक्रोश यहां दिखा रहे हैं, थोड़ा जज्बा दिखाते तो धन्नीपुर में मस्जिद बनना शुरू तो करा देते कम से कम, है वहां दो कट्टा सीमेंट की डलवा देते और 100 ईंट, कुछ तो काम होता, नहीं तो सवाब का काम है खुद ही चले जाते, नहीं करना है, मसला वही। खैर डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, मसला वही कि मुझे लगता है कि ये जो दो विवाद है ना, जो ना गंगा को चैन से रहने दे रहे, ना जमुना को, ठीक, इनका निस्तारण तो होना चाहिए। शुतुरमुर्ग बालू में मुंह दे देता, सोचता कि तूफान गुजर गया, तूफान कभी नहीं गुजरेगा। अयोध्या में 5 साल में, 500 साल में तूफान नहीं गुजरा, निर्णय हुआ तो देश को संतोष हुआ। इसलिए जो लोग ऐसा सोच रहे हैं वो मूर्ख हैं कि 2-4 दिन में हो, कभी नहीं, 1000 साल भी हो जाएंगे तब भी हिंदुस्तान की आंखें वहां विश्वेश्वर महादेव को ढूंढेंगी, 5000 साल हो जाएंगे तब भी देश की आंखें कृष्ण जन्म स्थान पर ईदगाह मस्जिद में कृष्ण भगवान कृष्ण को ढूंढेंगी। कोई पर्दा डाल सकता है। फिर इन विवादों को हमेशा के लिए समाप्त क्यों नहीं किया जाए, उस दिशा में राजनीतिक तौर पर जो हो सकता हो, संसद के जरिए जो हो सकता हो, अदालतों के जरिए जो हो सकता हो, या एक बार जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की है वो भी अच्छा सुझाव है। अवधेश जी, देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल आपने बहुत बात सही कही कि देखो इसका जो निवारण होना चाहिए और हो भी रहा है धीरे धीरे, लेकिन जो जैसे मुफ्ती साहब बैठे हैं यहाँ पर और अपने मुन्ना खान जी बैठे, दोनों एक धर्म से आते हैं, मैं इनसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, यदि आपके किसी धर्म के किसी जो आपकी जो पवित्र पुस्तक है उसमें यदि ज्ञानवापी का कोई जिक्र है उल्लेख है तो आप बताएं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमारा जो सबसे पुराना पुराण है स्कंद पुराण अमिताभ जी, उसका एक काशी खंड है, उसके 34वें श्लोक में, 36वें श्लोक में, 38वें श्लोक में, 39वें श्लोक में ज्ञानवापी का बहुत बड़ा उल्लेख, और 70वें श्लोक में कहा गया है इतम ज्ञानम अवभूतम, और ज्ञानवापी छात छड़ा, कि ज्ञानवापी के दर्शन करने से क्षण भर में आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञानवापी संस्कृत से शब्द लिया गया है, संस्कृत भाषा से जी। अगर इनके पास कोई ऐसा सबूत है आप पेश करें, अन्यथा आप देखिए अब तो सर्वे आ चुका है, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है, संविधान तरीके से सर्वे हुआ है, और सभी जितने भी इस्लामिक गुरु हैं, इनके जो इस्लाम धर्म के इनको ये मानते हैं उनको ये कहना चाहिए, आइए हिंदू भाइयों आप ये ग्रहण कीजिए, आप ही की चीज है, कोई विवाद भी होगा भाईचारा क्या रहेगा। जिस तरह से मुफ्ती साहब बात कर रहे थे, लड़ाई किस चीज की है, अभी मुफ्ती साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही, जो धर्म जिनके जो नेता है इस्लामिक जो राजनीति करते हैं, राजनीति ही करते रहे, पास चल गए इन्होंने। अब एक बात बताइए, जब कोर्ट में केस लड़ा जा रहा था अड़चन डालने वाला कौन था, इन्हीं के नेता थे, उनके पास सबूत कुछ नहीं निकला, लेकिन राम मंदिर के खिलाफ या ज्ञानवापी के खिलाफ या मथुरा के खिलाफ, तो देखिए कहीं ना कहीं सत्य की जीत होती है।
जी मुन्ना खान साहब जो बात है डॉक्टर डॉक्टर उपाध्याय कह रहे हैं मुन्ना खान ठीक है उपाध्याय जी मुन्ना खान साहब जो बात डॉक्टर उपाध्याय कह रहे हैं कि भाई भाईचारा और गंगा जमुना की बात अगर करनी है तो एएसआई का सर्वे आ गया है, उस सर्वे को देखिए समझिए पढ़िए और उसके अनुरूप आगे बढ़िए। मुन्ना खान साहब एएसआई के सर्वे पे अगर निर्णय लेना चाह रहे तो फिर उच्च न्यायालय कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है, तो फिर इसी पे सर्वे कीजिए, इसी पे बैठक कीजिए, आपसी समझौते से बना लीजिए आप मंदिर, फिर इतना विवाद क्यों, इतना ड्रामा क्यों, फिर क्यों उत्तर से ढूंढे जा रहे हैं? अरे मित्र हमारे अरे मित्र सुन ले, तो इतना ड्रामा क्यों है भाई, इतने ढोल लगा रहे क्यों, क्यों जा रहे हैं? सरकार आपकी है, बहुत से लामा बड़ी सरकार है, कितने रुपए ये इस्लामिक पुस्तक है, इसमें उस गंगा जमुनी तहजीब की जो मुस्लिम के घरों में बुलडोजर चला जाते हैं, अरे ये आपकी गंगा जमुनी तहजीब, मैं ये पूछ रहा हूँ मुस्लिम बेटियों के साथ गंगा जमुनी तहजीब में ये लिखा है कि ज्ञान आपका ये मंदिर की तहजीब याद आ रही है, मैंने आपको बताया किसी एक हमारे शब्द को चाहे जो पुराण है इसके निकाल उसमें ये उल्लेख किया गया कि ज्ञान वाली बात सत्य है, दुराचार किया जा रहा तब आपकी गंगा जमुनी तहजीब, अरे आप मुझे बताइए ना पुराण की किसी आयत में इसका उल्लेख किया गया हो या कोई ऐसी पवित्र किताब हो आपकी जिसमें ज्ञान वाली का उल्लेख किया गया हो, आप जब मुझे बताइए अच्छी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट को भी समझ आएगी ना कि आप ज्ञान वाली का उल्लेख किया गया है किताब में, नहीं है तो भाई आप खाते नहीं करते, आप जो सम्मानजनक जो है सम्मानजनक जो है ज्ञान वापसी को छोड़ दीजिए, ठीक ठीक दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए, अवधेश बाबू रुकिए, मुन्ना खान साहब रुकिए।